सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय को कवर करने जा रहे हैं वह है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम एक एक करके संयोजकता, परमाणु साइज, धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले संयोजकता प्रवृत्ति से शुरुआत करते हैं। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक से बढ़कर आठ हो जाती है और इसलिए इन संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या से उनकी संयोजकता पाई जा सकती है। इसलिए प्रत्येक छोटे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता एक से बढ़कर चार हो जाती है और फिर घटकर शून्य हो जाती है। आप जानते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। अब समूह में तत्वों की संयोजकता के बारे में बात करते हैं। आवर्त सारणी के एक समूह के सभी तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या होती है। उदाहरण के लिए आवर्त सारणी के समूह एक के सभी तत्व जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के प्रत्येक परमाणु में एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। समूह एक के तत्वों लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के परमाणुओं में एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसलिए उनकी संयोजकता एक होती है। समूह दो के सभी तत्वों में दो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसलिए उनकी संयोजकता दो होती है। समूह तेरह की संयोजकता तीन है। समूह पंद्रह की संयोजकता तीन है। समूह सत्रह की संयोजकता एक है। आइए अब एक आवर्त में विभिन्न परमाणुओं के साइज के बारे में चर्चा करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं का साइज घटता जाता है। जैसे ही हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तत्वों की परमाणु संख्या बढ़ती जाती है, जिसका अर्थ है कि परमाणुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। नाभिक पर बड़े धनात्मक आवेश के कारण इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के अधिक निकट खींचा जाता है और परमाणु का आकार घट जाता है। इस प्रकार किसी भी आवर्त में चार धातु परमाणु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि आकार में सबसे बड़े हैं, जबकि हैलोजन परमाणु जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि आकार में सबसे छोटे हैं। अब समूहों में तत्वों के परमाणु साइज पर चर्चा करते हैं। आप देखेंगे कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है, इसलिए सबसे छोटा परमाणु साइज का समूह के शीर्ष पर पाया जाएगा, जबकि सबसे बड़ा परमाणु साइज समूह के सबसे निचले हिस्से में पाया जाता है। आइए देखते हैं इस प्रवृत्ति की वजह क्या है। जब हम आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का एक नया कोश हर कदम पर परमाणुओं में जोड़ा जाता है। इस तरह परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के कोशों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती है, जिसके कारण परमाणु का साइज भी बढ़ता है। अब हम पहले एक आवर्त में धातु एवं अधात्विक प्रवृत्ति पर चर्चा करेंगे। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धात्विक गुणधर्म कम हो जाता है और साथ ही साथ अधात्विक गुणधर्म बढ़ता जाता है। आवर्त सारणी के बाईं ओर
हमारे पास धातु हैं और दाईं ओर हमारे पास अधातु हैं। धातुओं और अधातुओं के बीच में कुछ तत्व होते हैं। ये एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाते हैं जो धातुओं को अधातुओं से अलग करते हैं। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें अर्धधातु या उपधातु मेटलॉइड कहते हैं। आबंध बनाते समय धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, अर्थात वे प्रकृति में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। दूसरी ओर अधातु इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं। वे इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके आबंध बनाते हैं। आइए अब समूहों में धातु और अधात्विक प्रवृत्ति पर चर्चा करते हैं। आवर्त सारणी के एक समूह में नीचे जाने पर तत्वों में धातु प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए जब हम समूह एक में नीचे जाते हैं तो धातु प्रवृत्ति लिथियम से फ्रेनिशियम तक बढ़ती जाती है। इन प्रवृत्तियों से हमें इन तत्वों से बने ऑक्साइडों की प्रकृति का भी पता चलता है, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय तथा अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अध्ययन किया।